भारत में गुरुवार यानी 26 दिसंबर 2019 को आखिरी सूर्य ग्रहण देखा गया। ये सूर्य ग्रहण करीब सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहा। देश के अलग अलग हिस्सों में इस ग्रहण को देखा गया। पूरी दुनिया इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए उत्सुक नजर आई। ऐसे में इस सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर भी कहा जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जा रहा है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आए तो सूर्य पूरा न ढके, सिर्फ चांद की परछाई से सूर्य का छोटा हिस्सा ढक जाए तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। मगर चांद पूरी तरह से सूर्य की रोशनी को ढक ले और सूर्य की रोशनी पूरी तरह से पृथ्वी पर न पड़े तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब चांद सूर्य के सामने आए और उसके चारों तरफ चमकता हुआ रिंग बने तो समझ लीजिए ये एन्युलर या रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण है। इस आखिरी सूर्य ग्रहण को देखने के लिए देश भर में उत्सुकता रही। आम से लेकर खास तक इस सूर्य ग्रहण को देखना चाहे। पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया में हाथों में चश्मा लेकर सूर्य ग्रहण देखने की तस्वीरें पोस्ट की हैं। साथ में लिखा है, भारतीयों की तरह मैं भी सूर्य ग्रहण देखने के लिए उत्सुक हूँ, मगर बादलों की वजह से नहीं देख पाया। इस सूर्य ग्रहण का अद्भुत नज़ारा देश भर के अलग अलग हिस्सों में देखा गया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।